देवीना, कोई ऐसा पल जो जिस पे आपको लगा कि आपको अपने पार्टनर पे बहुत नाज हुआ या बहुत गर्व महसूस हुआ? पिछले 4.5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगा था कि मैं गुरमीत को आउट एंड आउट थरली जानती हूँ, पर डे वन से गुरमीत मुझे हर एक दिन सरप्राइज किया और हर एक मोमेंट के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ गुरमीत के ऊपर। पर एक दिन जो मैं बोलूंगी कि सिंगल हैंडेडली गुरमीत ने हैंडल किया था, जब अग्रिमा जो हमारी टीनेजर जो बच्ची थी उसको मैं बाहर लेकर गई थी उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, और घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था पूरा घर, और खाना नहीं बनाया हुआ था। जब गुरमीत बाहर आया, घर इतना साफ, खाना बना के रखा था, रोटी बना के रखी थी। आई वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं हेल्प करी थी। आई डोंट बिलीव दिस। जितने लोग हैं उतने एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर अल्टीमेटली इस सफर में आके आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, मुश्किलों का सामना किया है, और उस सामना करने के बाद जो सुख मिला है उसे भी फील किया है। अब बारी है एक अनाउंसमेंट की, एक अनाउंसमेंट जिसके लिए आप सब बड़े बेताब हैं, जिसे सुनकर आप सबको हैरानी भी होगी और बहुत खुशी भी मिलेगी, जिसे सुनकर आपके दिल से दुआ भी निकलेगी। लेकिन वो अनाउंसमेंट मैं नहीं करूंगा, वो गुरमीत और देबीना करेंगे। गुरमीत देबीना प्लीज आ जाइए। हम दोनों पिछले 4.5 साल से साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशन में हैं, और लेकिन जब भी किसी ने पूछा कि कब शादी करने जा रहे हो, कब करोगे शादी, शिल्पा ने भी पूछा कि शादी कर लो यार, कब कर रहे हो शादी, तो उसका जवाब हमारे पास नहीं होता था। लेकिन इस शो में जब हम लोग साथ में रहे और एक दूसरे को जानने का मौका मिला घर में एक साथ रह के, तो इतना अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, ये भी बूढ़ी मेरे साथ रहेंगी। बस कुछ दिनों पहले मैंने देबीना को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, और जब नानी आई तो नानी से बात हो रही थी और नानी ने हमसे कहा कि तुम लोग प्लीज शादी कर लो। तो मुझे लगा कि जब बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो शायद वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि तुम कल जाने से पहले अब इनके मम्मी पापा से बात करो फोन पे और इनका हाथ मांगो। बस हिम्मत जुटाई और इनके मम्मी पापा को मैंने फोन किया। नमस्ते आंटी, कैसे हैं? अच्छी हो, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। पहले मम्मी को मना लिया, पापा के पास जब फोन आया तो उनको मनाने लगा तो वो मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि 75% 25% जब तुम आओगे कलकत्ता। तो मैं समझ गया हाँ है, तो और ऊपर से नानी ने भी बात की, तो ये सबसे अच्छी चीज लगी कि नानी हमारी तरफ से उन्होंने बात की, जबकि वो कभी मिली नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये हमारे बेटे और इनसे ये बहुत अच्छा खुश रखेगा। तो हम लोग सबके सामने ये बोलना चाहते हैं कि इस शो के बाद हम लोग शादी कर रहे हैं। तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि आप लोगों के बिना ये कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं हो पाता, लक्की के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैं आप सबको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से कि आप लोग इतने अच्छे पड़ोसी बने, इतना अच्छा शो हमने किया, क्योंकि शो से पहले हम लोग ज्यादा डरे हुए थे, हमें लग रहा था शायद हम लोग शो में ही लड़के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो छोटी छोटी चीजें शायद यही था कि जिससे हम बहुत ज्यादा नजदीक आए।
सरप्राइजिंग है हमारे लिए, लेकिन हम बहुत 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 खुश हैं। इतनी अच्छी खबर जब कोई देता है तो मैं मैरिड हूँ तो मैं कुछ करना चाहूंगी। नजर उतारना चाहूंगी आप दोनों की, और इस वक्त यही था हमारे पास, माफ करना, लेकिन ये गुड न्यूज का तोहफा है अपूर्व और मेरी तरफ से। ये एक्चुअली हम सबकी तरफ से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हम साथ में मिलके सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाएं अपनी शादियों की, प्लैटिनम। इतनी अच्छी खुशखबरी दी है तो ऐसी थोड़ा छोड़ देंगे, कुछ केक वेक हो जाए। यस 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 डेफिनेटली। Na 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 तो ये थी कुछ बातें सीधे हमारी जोड़ियों के दिलों से। एक लंबे और संघर्ष भरे सफर को तय किया है हमारी सभी जोड़ियों ने, कभी खुशी थी कभी गम, रिश्तों में उतार चढ़ाव आए और जोड़ियों ने गिरते सीखते अपने आप को और अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। इस सफर के दौरान एक जोड़ी को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता उतर रहा है हर कसौटी पर खरा, और उन्होंने किया एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला। लेकिन कुछ जोड़ियों ने जाना कि उनके बीच अभी भी हैं कई फासले और उनके प्यार को तय करना होगा और भी चुनौतियों को। अभी तो आप इनके दिलों की कुछ ही बातें जान पाए हैं, अगले हफ्ते आप जान पाएंगे इनके सफर के हर लम्हे की कहानी इन्हीं की जुबानी। इनके सफर को इनके साथ एक बार फिर ताज़ा करने के लिए देखते रहिए पति पत्नी और वो।